प्रणाम नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कल्प बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है कनक सुंदर रस। कनक सुंदर रस जो है ना, बहुत ही अच्छा दवाई है। और यह ना जिन लोगों को ना लूज मोशन की तकलीफ हो रही है, अतिसार हो रहा है, पुराना कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन जो है वह उसकी जो कलाएँ हैं वह बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, उन सब में कनक सुंदर रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कनक सुंदर रस जो है, इसका नाम ही कनक सुंदर है। कनक सुंदर, कनक का मतलब धतूरा, धतूरा को कनक बोलते हैं। तो कनक सुंदर रस मतलब इतना अच्छा दवाई है, इसलिए इसका नाम कनक सुंदर रस रखा है। कनक सुंदर रस में क्या क्या रहता है वह देखते हैं, और फिर इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस देखते हैं। तो कनक सुंदर रस में पहले ना श्लोक देखते हैं। तो भैषज रत्नावली में ज्वर अतिसार रोगाधिकार में कुछ ये घटक द्रव्य बताए हैं संस्कृत में, वही चीज़ सेम टू सेम योग रत्नाकर में बताए हैं। तो वह क्या है वो पहले हम देखते हैं, और भी ग्रंथों में कनक सुंदर नाम से क्या क्या दवाइयाँ हैं वह देखते हैं हम लोग। तो पहले योग रत्नाकर का पाठ देखते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि हिंगुलम मरीचम गंधम पिप्पलिम टंकणम विषम कनकस्य च बीजानि समांशम विजया द्रवैहि मर्द्यात् मद्या मद मर्द्यद्याम मात्रम तु चण मात्रम वटीकृता भक्षणात् ग्रहणी हन्ति रसा कनक सुंदरः। इसका मतलब यह है कि हिंगुल लेना है, पारा और गंधक का जो योग होता है हिंगुल SGS वह ले लेना है, फिर मरीच लेना है, गंधक लेना है, टंकन शार ले लेना है, पिपली ले लेना है, टंकन शार का जो लाही टाइप रहता है ऐसे वह ले लेना है, पिपली लेना है, बचनाग ले लेना है, धतूरा का बीज, यह सभी को एकत्र प्रमाण में ले लेना है और मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद में जो भांग होता है, भांग के काढ़ा का 7 भावना देना है, और 7 भावना दे के 7 दिन तक उसको खल करते रहना है। मतलब इतना भावना दे दे के वो ना इतना स्ट्रांग बन जाएगा। और इसको जो चना होता है उस तरह के बड़े बड़े गोलियां बना लेना है, और इसका मात्रा जो रहता है वो आधा से 1.5 गुंजा मतलब 75 mg से लेकर 200 mg तक इसका मात्रा रहता है। अब इसका नाम कनक सुंदर रस है, और इसी तरह से इसको कनक प्रभा भी बोला जाता है, हेम प्रभा भी बोला जाता है। बहुत सारे ग्रंथों में यह दो नाम पर्याय नाम से है, कनक प्रभा हेम प्रभा इस तरह से। और भी रस चंडांशु नाम का जो ग्रंथ है उसमें यही चीज थोड़ा अलग से बताया है कि मतलब मैंने जो पहले बताया ना वह रस चंडांशु और योग रत्नाकर का एक सामूहिक चीज बताया, मतलब उसमें कॉमन चीज बताया। और भी ग्रंथों में बताया है कि मतलब सेम ही चीज है, सेम ही कंटेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स लेकिन घटक द्रव्य लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करके बताया है। तो ऐसा बता रहे हैं मतलब लिखने का पद्धति थोड़ा अलग है लेकिन सेम ही चीज है। इसमें बता रहे हैं कि मरीच बल्ली हिंगुल गरल पिपली टंकणे स्वर्ण भाव बीज कहे समले वैदिनार धा अवधि जया रस विमर्दते ही कनक सुंदरा सुंदरी स्मृतो ग्रहणिका ज्वराति सा ज्वराती स्मृति वहनी मान्द्या पहा। अब यहाँ पर कनक जो है उसको ना स्वर्ण भाव बीज कही, धतूरा का बीज को स्वर्ण भाव बीज के। अब धतूरा का पर्याय नाम स्वर्ण, का पर्याय नाम भी कनक है, धतूरा का पर्याय नाम भी स्वर्ण है, तो इसीलिए और कनक सुंदर स्वर्ण को भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रखा है। दूसरा भंगा जो है भांग, उसका ना पर्याय नाम जया है, तो इसलिए जया रस विमर्दित ही ऐसा बताया है। इसी तरह से इसका प्रयोग कैसे करना है, रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में ऐसा बताया कि माश मात्रम प्रतिदिनम दद्यादेव त्रिसप्तकम गोम धुमान घृतम पथ्याम कार्य लवणम विना। मतलब इसको ना 1 माशा की मात्रा में प्रतिदिन इसका सेवन करना है, और त्रिसप्तकम मतलब 21 डेज, 3 × 7 डेज मतलब 21 डेज इसको देना है, ऐसा ग्रंथ में बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्रंथ बता रहे हैं। 21 डेज के बाद नहीं देना है, उसके बाद ब्रेक लेना जरूरी है, कंटिन्यू 21 डेज देना है। और गोधुमान घृतम पथ्यम मतलब गोधुम मतलब गेहूं का आटा देना है, और घृत देना है यह पथ्य है, और क्या नहीं देना है तो कार्य लवणम बिना करेला नहीं देना है, और ज्यादा नमक नहीं देना है, तब इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। उपदंशापः श्रेष्ठो योगो मुनि भी रीता। उपदंश जो व्याधि रहती है सिफिलिस, उसमें बहुत ज्यादा यह कार्यकारी रहता है। इसी तरह से योग रत्नाकर में इसके बारे में बताया है कि स्मृतो ग्रहणिका अति ज्वराति सार मतलब ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है, ज्वर रोग में अच्छा करता है, अति सार में बहुत अच्छा काम करता है, अग्नि मान्द्यता अगर रहती है तो उसमें अच्छा काम करता है।
इसी तरह से एक ग्रंथ में और बताया कि भक्षणात् ग्रहणी महंती रसा कनक सुंदरा, मतलब ग्रहणी रोग को ये पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देता है। अग्नि मंदम ज्वरम तीव्रम अति सारम च नाशयेत, अग्नि मंदता को ठीक कर देता है, ज्वर को ठीक कर देता है, अतिसार को ठीक कर देता है। दध्यनम दापेत पन्नम मा पथ्यम महातक्रोदनम चरेत, मतलब तक्र के साथ और तक्र और चावल इसका अगर सेवन कराया जाए तो कनक सुंदर रस जो है बहुत अच्छा काम करता है। अब कनक सुंदर रस जो है ये छोटे बच्चों के लिए महान उत्कृष्ट दवाई है। छोटे बच्चों को क्या होता है कि जब दंतोद्भेद होने लगता है, दांत आने लगते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा वेदना में रहता है। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा वेदना में रहता है जब दांत का टूथ का इरप्शन होने लगता है, तो उसकी वजह से यहाँ मसूड़े में ना थोड़े थोड़े ना जंतु जंतु जमा होने लगते हैं। वह जंतु जो है इन्फेक्शन है वो पेट में जाता है, और दूसरा जब दांत आ रहे हैं ना तो सारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ जाता है, उसकी वजह से उसको ना पेट की प्रॉब्लम ही रहती है। बच्चों को बार बार दस्त लगता है, आवयुक्त दस्त लगता है, खाया पिया नहीं जाता है, अरुचि होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, रोते रहते हैं, ऐसे बहुत सारा कंडीशन हो जाता है। और उसमें दांत निकलते समय वात विकृति बहुत ज़्यादा होती है, पेट में मरोड़ आता है, पूरा बॉडी में दर्द होने लगता है। और ऐसा बताया जाता है कि पक्षी जब रहते हैं, छोटे जो पक्षी रहते हैं उनके जब पंख आते हैं तो सबसे ज़्यादा वेदना होती है, मतलब उनके लाइफ का सबसे ज़्यादा वेदना कब होती है, तो जब पंख आ रहे होते हैं। उसी तरह जब मनुष्य का शरीर में दांत आते हैं सबसे ज़्यादा वेदना होती है। दंत शूल इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है कि उसको ना पचन ही नहीं होता है, तो उसकी वजह से पेट दर्द होने लगता है, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, फिर उसको ना लूज मोशन जो होता है, तो दूध का जो दूध है ना पचता नहीं है, दही के कण की तरह उसका दूध निकलते रहता है, कभी उल्टी आती है, कभी लूज मोशन होता है, बच्चा जो है ना एक कभी एक साइड सोएगा कभी दूसरा साइड सोएगा, लेकिन उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती रहती है। फिर वह ना बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहता है, बहुत ज़्यादा हंस, बहुत ज़्यादा ऐसे काटते रहता है, कुछ ना कुछ पकड़ लेगा और ऐसे पकड़ के दांत का जो वेदना है उसको कम करने का कोशिश करेगा। फिर ना बार बार ना अपने मसूड़ों को ना ऐसे ऐसे दबा दबा के दर्द कम हो इस तरह का प्रयत्न करने लगता है, लेकिन जो मसूड़े रहते हैं वहाँ पे स्वेलिंग रहती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ना बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। तो कनक सुंदर रस में भांग है, भांग और धतूरा है, तो धतूरा जो है ना वात का शमन करता है, वेदना शमन करता है, और भांग भी है ना वह भी माइंड पे शामक प्रभाव डालता है, वेदना कम करता है, पेन किलर का काम करता है। इसलिए कनक सुंदर रस का प्रयोग करने से वेदना कम हो जाती है, जिस तरह से हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं या पेन किलर देते हैं, तो उसी तरह से कनक सुंदर रस का यह कार्य रहता है कि दांत का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, पेट में दर्द हो रहा है वह कम हो जाता है। उसके साथ में ये दीपन पाचन करने वाली भी दवाई है, अतिसार को भी रोकने वाली दवाई है। कैसे करती है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो कभी कभी ना दंतोद्भव होता है तो ज्वर की उष्मा बढ़ जाती है, फीवर आने लगता है, तो उस टाइम पे कनक सुंदर रस, क्योंकि इसमें बचनाग है, बचनाग जो है वो स्वेदल है और ज्वरग्न दवाई है। इसी तरह से टंकन क्षार है वह भी स्वेदल द्रव्य है और दीपन पाचन कर करती है, गंधक और मरीच ये सब दीपन पाचन करती है, आम का पाचन करके अग्नि को प्रदीप्त करती है, और मरीच है वो प्रमाथी द्रव्य है, प्रमाथी द्रव्य जो रहते हैं सूक्ष्म स्रोतसों में घुस जाते हैं और पूरा स्रोतसों को शुद्ध कर देते हैं, इसलिए प्रमाथी द्रव्य मरीच का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से ये वात का प्रकोप को कम कर देता है क्योंकि इसमें धतूरा और भांग है। उसी तरह से ग्रहणी का विकार, अब ये छोटे बच्चों से हम लोग बड़े लोगों में आते हैं, ग्रहणी का विकार जब होता है तो ग्रहणी विकार में क्या होता है कि आमावस्था रहती है, निरामावस्था रहती है। आमावस्था में क्या रहता है कि जो मल प्रवृत्ति होती है वो आम युक्त होती है, और निरामावस्था में आम युक्त नहीं होती है, लेकिन मोहर बद्धम मोहर द्रवम यह ग्रहणी का प्रत्यात्मिक लक्षण है कि उस टाइम पे कभी गाढ़ा होगा, मतलब कभी कड़क होगा, मतलब हार्ड होगा, और कभी सॉफ्ट होगा, पानी की तरह होगा, इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, और हर समय पेट की प्रॉब्लम रहती है ग्रहणी में, खाए हुआ पचता नहीं है, डकार आता है, कभी कभी विदग्धा जीर्ण हो जाता है, मतलब जो अम्ल अवस्था पाक है वो विकृत होने की वजह से विदग्धा जीर्ण, खट्टा खट्टा डकार ऊपर आने लगता है, कभी कभी आमा जीर्ण होता है तो उसमें मधुर रसात्मक कुछ तो ऊपर बर्फ आने लगते हैं, कभी कभी विष्टब्धा जीर्ण रहता है। तीन अजीर्ण जो बताए हैं, आमा जीर्ण मधुर अवस्था पाक विकृत होने से, विदग्धा जीर्ण अम्ल अवस्था पाक विकृत होने से, और कटु अवस्था पाक विकृत होने से विष्टब्धा जीर्ण होते हैं। तो ये सारे सिम्टम जब ग्रहणी रोग में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर लंघन का प्रयोग करा दें, लंघन का प्रयोग कराने के बाद, क्योंकि आम का पचन होना चाहिए, तो आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसे लंघन करा दीजिए, केवल कोष्ण जल या षडंग पानी पिलाकर रखिए, या शुंठी सिद्ध जल कोष्ण जल पिला के रखिए, और उसके बाद जब निरामावस्था आ जाए,
आम पूरी तरह से पच जाए। और पेशेंट लोग के लिए साइकोलॉजी रहती है कि हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम दुबले हो जाएंगे। उनको समझाना है कि आपके पेट में सब भरा हुआ है, अपच बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसको पच जाने दीजिए, भूख लग जाने दीजिए। तो वह जब अवस्था ठीक हो जाती है तब ग्रहणी कला को अच्छा करने के लिए फिर ना ये कनक सुंदर रस का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या है कि जब पेशेंट ना ग्रहणी की अवस्था में रहता है तब जब जब भी वो शौच को जाता है तो उसको ना बार बार कुंथना पड़ता है, प्रवाहन करना पड़ता है। कभी कभी प्रवाहन इतना जोर जोर से होता है ना कि उसको ना पेट में दर्द होने लगता है, और ना मल प्रवृत्ति नहीं भी हो रही है तब भी उसको ना रिलैक्स नहीं होता है, वो रिफ्लेक्सेस आते ही रहते हैं उसको प्रवाहन के। पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, और कभी कभी ना इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उसको उठने का भी मन नहीं करता, वॉशरूम में बैठे ही रहता है, कितने एक एक घंटे तक बैठा रहता है, इतना पेट में दर्द होता रहता है, और वो रिफ्लेक्सेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसमें जो जिनको बुद्धि नहीं है, जिनका प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे वैद्य लोग क्या करते हैं कि वो ना अफीम वाला दवाई दे देते हैं कि वेदना कम हो जाए, जिसमें मॉर्फिन है, इस तरह का कुछ एलोपैथी के भी डॉक्टर देते हैं या आयुर्वेद के भी डॉक्टर देते हैं। तो अफीम वाला जो दवाई है वह क्या करता है कि वह वेदना कम कर देगा, लेकिन कचरा जो भरा हुआ है वह नहीं निकालेगा, जो विष है, टॉक्सिन्स है, उसको नहीं निकालेगा। जबकि कनक सुंदर रस जब दे दिया तो इसमें अफीम नहीं है, और दूसरा इसमें धतूरा है और भांग है, तो वेदना का भी शमन करता है, और बाकी इसमें गंधक है, काली मिर्च है, टंकन क्षार है, तो ये क्या करता है कि यह पूरी तरह से मल को पचा के और विकृत सारा कचरा सब निकाल देता है। इसलिए कनक सुंदर रस ज़्यादा अच्छा कार्यकारी है, जबकि अफीम वाले द्रव्य जो है उसके अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा कार्य करता है। कनक सुंदर रस में धतूरा और भांग है तो ये क्या करता है, वेदना शमन करता है, और जो अंदर पेशियां हैं मतलब मसल्स हैं उनको स्तंभित नहीं करता है। जबकि अफीम जो है, अफीम जो मॉर्फिन रहता है वह क्या करता है कि स्तंभित कर देता है, उधर का उधर ही रोक देता है, और रोकने से क्या होता है कि पुरस्सरण क्रिया मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता, और ना फिर क्या है कि पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होता, वह उसका असर खत्म हो गया अफीम का, फिर से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो यह इलाज तो है नहीं कि हर समय अफीम का कोई दवाई खाया जाए और फिर वेदना को शमन किया जाए, और उससे क्या होता है कि त्वचा रोग वगैरह होने के चांसेस होते हैं, और भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं, या कोई और बीमारियां हो जाती है। संप्राप्ति को अगर हमने रोक दिया और संप्राप्ति को विमार्गमित कर दिया तो वह चिकित्सा श्रेष्ठ चिकित्सा नहीं होती है, वह दूषित चिकित्सा बोलती है। और यह जो कनक सुंदर रस है यह आम का भी पचन कर देता है, पुरस्सरण क्रिया भी अच्छा कर देता है, वायु का जो पक्वाशयगत वायु है उसको भी ये बैलेंस कर देता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। अब इसमें जो हिंगुल है जिसको दरद बोलते हैं वह जंतुघ्न भी है, तो अगर बैक्टीरिया, अमीबिया, अमीबा और प्रोटोजोआ इसका इन्फेक्शन हुआ रहता है तो उसके वजह से ये बार बार इन्फेक्शन हो रहता है, जिसको अमीबियासिस बोलते हैं। तो यह ना दर्द जो है मतलब हिंगुल जो है सबसे पहला घटक हिंगुल डाला है, तो उससे क्या होता है कि यह जंतुघ्न कार्य होने की वजह से सारे जंतु मर जाते हैं, और इसीलिए यह पुराने से पुराना संग्रहणी रोग में कनक सुंदर रस बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग के प्रैक्टिस में क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट आएंगे जिसमें ना स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे 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 अल्सरेशन हो जाते हैं, और उसमें ना खाया पिया पचता नहीं है और लूज मोशन होने लगता है, या IBS के प्रॉब्लम होते हैं, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, ऐसे क्रॉन्स डिजीज में सिम्टम वाले पेशेंट आते हैं, उसमें आप कनक सुंदर रस, अब इसका कार्य क्षेत्र यकृत नहीं है, इसका कार्य क्षेत्र इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये यहीं पे रह के काम करता है, लेकिन अपना काम परफेक्ट करता है। जैसे BSF वाले रहते हैं उनको पोस्टिंग दे दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर में सियाचिन में आपको हम सब सुविधा देते हैं, आप सियाचिन में ही पेट्रोलिंग करेंगे, सियाचिन में ही रहना है। तो इसी तरह से कनक सुंदर रस को बोल दिया है वैद्य ने कि हम आपको केवल जो दवाइयाँ मतलब जो डोजेस में दे रहे हैं आपको कहीं और नहीं जाना है, न इधर जाना है न उधर जाना है, आपको इंटेस्टाइन को ठीक करना है। इसलिए कनक सुंदर रस का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन को ठीक करना है, लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक करना है, तब कनक सुंदर रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग रहता है। और छोटे बच्चों का जब संग्रहणी का रोग रहता है तो छोटे बच्चों में तो बहुत ही अच्छी दवाई है, छोटे बच्चों को तो देना ही चाहिए। और एक घरेलू उपाय बताता हूँ कि अरहर का दाल जो रहता है, अगर दांत निकलने के टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, पॉटी हो रहा है, और खाया पिया पच नहीं रहा, भूख नहीं लग रही है, और पेट जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा चलने लगता है, जिसको हम पेट चलना बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अरहर की दाल को लीजिए एक मुट्ठी, और ना पानी में भिगो दीजिए, पानी में भिगोने के बाद थोड़ा देर रख दीजिए, फिर वो फूल जाएगा, फिर वो पानी को निकालिए और उसमें मिश्री डालिए और बच्चे को ना चम्मच से पिलाइए। ऐसे करने से ना जो ये पेट में दर्द हो रहा है वह ठीक हो जाता है, क्योंकि वो ग्राही कार्य करता है।
ऐसा हमारे सर ने बताया है। और वह ना लूज मोशन को भी रोक देता है और खाना पचाने भी लगता है। अरहर के दाल का जो कच्चा पानी है, जैसे तंडुल उदक चावल का बनता है, इसलिए अरहर का जो ये पानी रहता है कच्चा अरहर का, तूर दाल जिसको बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। उसी तरह से यह ना जिनको बड़े लोग भी हैं युवावस्था में या वृद्ध लोग हैं, जिनको वात प्रकृति के रोगी हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ता है। पित्त वालों को भी उपयोगी पड़ेगा, लेकिन इसमें हम लोग को बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, फिर गुलकंद के साथ देना चाहिए। कभी कभी क्या है कि किसी किसी को ना इसमें बचनाग है, उष्ण विधात्मक द्रव्य, धतूरा है, भांग है, मरीच है, टंकनसार है, पिपली है, पिपली नहीं गंधक है, और ये हिंगुल है, इसके वजह से ना साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, स्किन में रैशेज आते हैं या हाइपर एसिडिटी होती है। ऐसा बहुत कम पेशेंट में होता है, लेकिन होता है, ऐसा अनुभव में है। तो उनको ना ये गुलकंद के साथ दे दिया, या फिर हमने तक्र के साथ दे दिया, तक्र से ज़्यादा श्रेष्ठ है कि घी के साथ दे दिया, तो वह पित्त का शमन करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह से अतिसार में अगर वात प्रधान लक्षण है तो इस औषधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग रहता है, वातातिसार में बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और कभी कभी क्या रहता है ना कि इंटेस्टाइन में ना बहुत दिन तक ये अन्न सड़ा हुआ जमा है। जब मैं सेकेंड ईयर BMS में था ना, तो हमको पोस्टमार्टम के लिए लिख के जाते थे, पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि हमारा अंगतंत्र होता था सेकेंड ईयर में। हम लोग का डेढ़ डेढ़ साल का एक ईयर होता था, मतलब 3 साल डेढ़ डेढ़ साल के, और एक साथ छः छः सब्जेक्ट, और उसके भी जैसे मतलब द्रव्यगुण 1, द्रव्यगुण 2, ऐसे हमारे पेपर होते थे। तो उस टाइम पे ना मैं सेकंड ईयर में था ना, तो यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ससुन जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम का जो डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक मेडिसिन का, उधर हम लोग जाते थे। तो वहाँ पर ना एक ऐसे तो हमने डिसेक्शन बहुत देखा है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम बहुत देखा है, लेकिन एक मैं इंसिडेंस बताता हूँ। एक आदमी का ना फ्रेश एक्सीडेंट हुआ था, फ्रेश एक्सीडेंट हुआ और उसको सिर पे चोट लगी, इंटरनल इंजरी हुई और वो मर गया रोड पे। फिर उसको ऐसा पता लगाया गया, इश्तिहार दिया गया कि ये लाश ऐसी है, कोई आइए, किसी ने फिर उसका कोई वो लिया नहीं, और बहुत यंग वो लड़का था, तो उसका ना पोस्टमार्टम करना था, तो हमें बुलाया गया था वहाँ प्रैक्टिकल के लिए। हम लोग गए तो उसका पोस्टमार्टम में तो ऐसे वो स्काल्पेल से नहीं करते हैं, वो एकदम ऐसे फाड़ते हैं, पूरा एब्डोमेन को ऐसे करते हैं, और उसके बाद में इंटेस्टाइन को, वो एक नल था, नल से पानी गिर रहा था, और वो ना एक सीजर कैंची लेके और इंटेस्टाइन को कट करके देख रहे थे कि क्या है। इतना गंदा स्मेल आ रहा था ना, इतना गंदा स्मेल आ रहा था, पूरा मल चिपका हुआ था। इसी तरह का अब मैं ये बताने का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि संग्रहणी के बीमारी में क्या होता है कि वहाँ पे 4 लेयर्स रहते हैं, म्यूकोज विलाइज रहते हैं पहले इंटेस्टाइन में, फिर म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल, सब सेरस, सब मस्कुलरिस, ऐसे लेयर्स रहते हैं, तो वो लेयर्स के अंदर ना मल जमा रहता है, और वो पिछा त्वचा जो रहती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, वहाँ से ना एक स्त्राव निकलता है, और वो बहुत दुर्गंधी युक्त रहता है, बहुत गंदा स्मेल मारता है, इतना गंदा ना। और वो मैंने देखा है वहाँ पे पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल में देखा है, वहाँ वहाँ इतना गंदा वासना रहता ना कि खाना खाया नहीं गया, इतना गंदा स्मेल आ रहा था, और वॉमिटिंग आ गई, जो भी खाया पिया था सब निकल गया। तब भी हमें वहाँ खड़ा रहना पड़ा, 2-3 घंटा तक देखना था पोस्टमार्टम। फिर वहाँ पे कोई कोई ऑर्गन को लेके उन्होंने ऑटोप्सी को भेजा था कि इसकी डेथ कैसे हुई, बाद में तो ऐसे तो मालूम था कि एक्सीडेंट से मरा हुआ है, तब भी पोस्टमार्टम ये देखते हैं कि कुछ पॉइजनिंग वगैरह हुआ है कि नहीं, वो छोड़िए। तो लेकिन ना स्मॉल इंटेस्टाइन को जब कट कर रहे थे ना, तो और पानी गिर रहा था, तो धोते भी जा रहे थे और चेक कर रहे थे, और कुछ कुछ पार्ट विसरा वगैरह ना कट करके वो भेज रहे थे लैब में, उसके लिए जो फॉरेंसिक लैब रहते हैं वहाँ पे भेजा जाता है, ऐसा नियम है। फिर उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है, और फिर वो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके बाद ना कुछ दिन तक उसको शव गृह में रखा जाता है, मॉर्गेज में बर्फ के उसमें रखा जाता है, और फिर उसके बाद में अगर कोई नहीं आता है उस लाश को संभालने, तो फिर शमशान में भेज कर गवर्नमेंट ही उसको जला देती है। ऐसे ही वो पेशेंट का ऐसा हुआ था कि उसका अता पता मिला ही नहीं, वो कहाँ से आया था, कौन था, कुछ भी पता नहीं चला, तो उसको गवर्नमेंट ने किया। लेकिन हम लोग जब गए थे ना, तो मैंने ये देखा था, तो इसमें जब पिच्छा स्त्राव में बहुत ज़्यादा स्त्राव हो रहा है ना, तो स्तंभक दवाइयाँ दी जाती हैं, मतलब एलोपैथी का भी जो मेट्रोडिनाजोल और ऐसे हायर एंटीबायोटिक दिया जाता है कि अगर कोई लूज मोशन हो रहा है तो वह सब दवाइयाँ दो, और ये पिच्छा स्त्राव जो हो रहा है वो रोक दो। ये जबकि ट्रीटमेंट गलत है, आयुर्वेद बोलता है कि आमातिसार है तो उसमें ना थोड़ा सा उपेक्षा करना चाहिए कि गंदगी निकल जाए, तो स्तंभन देने से ना और भी ये विकृति और बढ़ती जाती है, तो अतिसार और ज़्यादा बढ़ते जाता है, डायरिया और बढ़ता है, जितना भी हमने उसको रोक दिया उस समय नहीं आएगा, लेकिन बार बार होने का चांसेस रहता है। तो और उसमें क्या होता है कि और क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, तो फ्रूसेमाइड वगैरह दिया जाता है कि यूरिन निकले, और
या फिर यूरिन ज़्यादा हो, या फिर नारियल पानी दिया जाता है, मतलब वाटर को बैलेंस करके इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, जैसे पोटेशियम या सोडियम या ग्लूकॉन डी, ये सब दिया जाता है कि पानी जो है डिहाइड्रेशन ना हो लूज मोशन के टाइम पे। लेकिन ये सबसे क्या होता है कि अग्नि मंद हो जाता है, पाचक पित्त जो रहता है ना वो एकदम मंद डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है, और जो पिच्छा त्वचा में गंदा जो पानी है स्मेल वाला वो वही का वही रह जाता है। तो उसमें ना ये जो कदक सुंदर रस दिया तो उसमें धतूरा है, धतूरा जो क्या करता है कि पिच्छा त्वचा से मतलब म्यूकोजल मेम्ब्रेन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजल मेम्ब्रेन से जो भी स्त्राव हो रहा है उसको ये बैलेंस कर देता है। जब बैलेंस कर देगा तो अपने आप ये इसका फायदा फ्यूचर में नहीं होगा कि बार बार उसको IBS नहीं होगा, दूसरा उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे संप्राप्ति नहीं होगी, पैथोलॉजी नहीं होगी, और क्रॉन्स डिजीज नहीं होगा, आगे नहीं होगा। इसलिए धतूरा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और इसको ना बहुत ध्यान से इन्होंने धतूरा डाला है, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं रहना चाहिए, बहुत कम मात्रा में धतूरा डाला है। और फिर वातातिसार में इसका प्रयोग होता है, कफ वातातिसार में बहुत ज़्यादा प्रयोग रहता है कनक सुंदर रस का। और दूसरा है ना कि इसमें ना अफू जैसे दवाइयाँ, अहिफेन जैसी दवाइयाँ, और मतलब अहिफेन और ये सब मॉर्फिन वगैरह दवाइयाँ जो रहती है ना उनका साइड इफेक्ट बहुत रहता है, तो उनसे ये सेफ है, ये लॉन्ग लास्टिंग काम कराना हो तो कनक सुंदर रस का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक अतिसार रहा है वहाँ पे और लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, विसूचिका हो रहा है, रक्तातिसार हो रहा है, पित्तातिसार हो रहा है, कफातिसार हो रहा है, जो भी अतिसार के अलग अलग टाइप होते हैं, सन्निपात सन्निपात से उत्पन्न अतिसार हो रहा है तो, या फिर ग्रहणी है, वातज पित्तज कफज ऐसे ग्रहणी है या त्रिदोषज ग्रहणी है, तो उसके वजह से क्या होता है कि गुदा में और जो त्रिवली है मतलब गुदा का भाग और त्रिवली जिसमें प्रवाहिणी संवरणी और विवरणी ऐसे तीन बताए हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने MD के एंट्रेंस में भी ऐसा पढ़ा होगा, प्रवाहिणी प्रवाहिणी विवरणी और संवरणी, ये तीन गुदवलियाँ रहती हैं, और उन गुदकांड मतलब बाहर का एनस का भाग और तीन वली, इसमें ना क्या होता है कि बहुत दिन तक मल संचिति रहती है, बहुत ज़्यादा मल संचिति रहने की वजह से बहुत गंदा स्मेल आ रहा होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे सड़ गया, मतलब वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, जब अतिसार बार 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 हो रहा है, छिल जाता है बार बार कर करके, तो वहाँ पर ना पस फॉर्मेशन होता है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ रहता है। सिग्मॉइड कोलन से रेक्टम तक और अंदर एनस तक ये पूरा अंदर से पूरा सड़ा हुआ जैसा भाग लगता है, तब ऐसे में और क्या होता है कि मल के दबाव से, क्योंकि मल तो रोज आएगा, खाना खाएंगे तो मल आएगा, तो मल के दबाव से और इंटेस्टाइन के दबाव से, दोनों के दबाव से जो लिक्विड जमा है इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि प्रेशर दोनों साइड से पड़ रहा है, तो जो स्त्राव है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा निकलता है, और पेशेंट का जो मोशन होता है ना, स्टूल होता है, इतना गंदा स्मेल आता है ना कि पूरे मोहल्ले में वो गंदगी फैलती है। ऐसा होता है, हंसने वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है, इतना गंदा स्मेल वाला, क्योंकि क्रॉनिक अगर उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, ये सब की वजह से ऐसा होता है, तब ना ऐसे कंडीशन में कनक सुंदर रस को बेल का काढ़ा या बेल का शरबत इसके साथ अगर दे दिया जाए ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है दूसरी कंडीशन कि जब वातवर्धक आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा कराया जाता है तो अन्न रस विकृत हो जाता है और फिर अतिसार शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने क्या किया कि ये उसका अग्नि अच्छा नहीं है, मैं यंग लोगों के बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा ऐसा कंडीशन है कि बैठे रहने का काम है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दाल जो है, दाल से बने हुए पकौड़े हो गए या बेसन की चीज ज्यादा खा लिया, तो यह सब वातवर्धक चीजें रहती हैं, या फिर तेल मिर्ची मसाला वाला चीजें बहुत ज्यादा खा ली, पित्त भी बढ़ाती है और तेल वात भी बढ़ाती है, कटु तिक्त क्षारसात्मक उनका सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि अतिसार होने लगता है, या फिर यहाँ पर पूरन पोड़ी बनाया जाता है महाराष्ट्र में हर त्योहार में, उसमें दाल का आटा लेते हैं और गुड़ डालते हैं और उसको मिक्स करके स्मैश करके, और फिर ना जिस तरह से हम लोग दाल भरा पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से यहाँ गुड़ वाला पूड़ी बनता है, और उसमें घी बहुत ज़्यादा डाला जाता है। अब जिसका अग्नि वीक है वह अगर खाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, लूज मोशन होने लगेगा। मैं फर्स्ट BMS में था, यवतमाल में था, मतलब महाराष्ट्र में आप लोगों को विदर्भा पता है, विदर्भ बहुत मतलब फेमस है, यवतमाल नागपुर के पास मेरा वहाँ एडमिशन हुआ था, तो मेरे को ना एक बार एक कोई तो हमारे कॉलेज के एक क्लर्क थे, मुझे अपना मालूम है इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे वो एक बार कोई तो त्यौहार था तो मुझे वो लेके गए हॉस्टल से कि तुम पंडित हो, हमारे घर में ना पूजा हुई है और हम पूरन पुड़ी खिलाना चाहते हैं, और मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो खाना खा लिया है, टिफिन खा लिया है,
बोले नहीं नहीं चलना ही पड़ेगा। और मुझे उन्होंने ना पांच बड़ा बड़ा पूरन पोड़ी डाल दिया गरम गरम तवा से निकाल के, और उसमें इतना सारा घी डाल दिया। मतलब उनका भाव अच्छा था। अब मैं कैसे, मैंने ऐसे पढ़ा हुआ है वेदों में और पुराणों में कि अन्नम ब्रह्ममयम, अन्न जो है वो ईश्वर के तुल्य है, क्योंकि अन्न हमें जीवन देता है, ईश्वर के तुल्य है। तो अन्न हमें बचपन से सिखाया गया कि एक दाना भी कभी ऐसे वेस्ट नहीं करना, और अपना थाली को मतलब जूठा नहीं करना, मतलब जूठे थाली में खाना नहीं खाना, ऐसा हमारे घर में बताया। अपना थाली अपना रहना चाहिए और एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे से क्लीन। जबकि उत्तर भारत में लोगों की क्या परंपरा है कि कोई मेहमान आता है या कोई भी ना, तो खाना खाते खाते ना इतना भाग छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देंगे, रोटी छोड़ देंगे और कचरे में डाल देंगे। और यह बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पे कि अन्न छोड़ना अच्छी बात है। जबकि हमारे घर में ऐसा सिखाया गया है कि अन्न का एक, क्योंकि किसान कितना मेहनत करता है, और किसान इतना मेहनत करता है तो, और वो अन्न ब्रह्म में है, तो एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें सिखाया गया। तो वो पूरन पूरी इतना दे दिया गया, मैंने मना किया तब भी वो बोले नहीं हमने आपके लिए बनाया है आप खाओ। अब उन्होंने इतना आदर पूर्वक खिलाया तो मैंने खा तो लिया, लेकिन मुझे ना अतिसार शुरू हो गया, क्योंकि अभी मेरा अग्नि उतना अच्छा था नहीं। तो मतलब पहले का भी खाया था, ये टिफिन का भी खाया था हॉस्टल का, और ये भी खा लिया, और मुझे अब दवाइयाँ भी नहीं मालूम थी, मैं फर्स्ट BMS में था। मुझे रात भर लूज मोशन हुआ, इतना हुआ, और यही अतिसार का कंडीशन होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक हो रहा है। तो और उसके जो ये कंडीशन हुआ मुझे भी हुआ था कि मुझे ज्वर भी आया था, फिर बार बार ढकार आ रही थी, खट्टा खट्टा ढकार आया था। मुझे ना दूसरे दिन खाया ही नहीं गया, इतना उसमें अजीर्ण हो गया था और पेट फूल गया था एकदम, ऐसा लग रहा था बलून है कि फट जाएगा इतना ज़्यादा। और दाल जो रहता है ना वो फूलता है बहुत ज़्यादा, गैस करता है, तो ऐसा हो गया था तब। मतलब मालूम नहीं था, लेकिन अभी मुझे समझ आया कि कनक सुंदर रस जो है वह देने से ना पचन भी कर देता है, और ये सारी कंडीशन भी ठीक करता है, अतिसार भी ठीक करता है, ज्वर भी ठीक करता है। इसलिए ना इस ऐसे कंडीशन में जब जबरदस्ती कुछ खिला दिया जाता है, या जैसे हमारे उत्तर भारत में क्या होता है कि जब दामाद आते हैं घर में, जावाई दामाद आते हैं ना, तो उनको इतना आदर सत्कार होता है कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए, ठूस ठूस के खाना खिलाया जाता है, बहुत सारा चीज़ खिलाया जाता है, स्वीट्स खिलाया जाता है, साली लोग इतना भर भर के खिलाती हैं, तो उससे ना वो पूरा पेट अफारा हो जाता है। तो उसके वजह से अतिसार और फिर पेट फूलना, एसिडिटी, अजीर्ण, बहुत सारे दुनिया भर की बीमारियां होती है पेट की। और कभी कभी वह कंडीशन अगर बार बार खिलाया जाए तो ना ग्रहणी रोग होने का तकलीफ रहता है। तो ये सब कंडीशन में कनक सुंदर रस अगर दे दिया जाए तो ये अति, अब उस कंडीशन में तो क्रव्याध रस अच्छा काम करता है, जो स्ट्रांग दीपन पाचक का कार्य करता है, उस कंडीशन में तक्र के साथ वो देना चाहिए। लेकिन अगर अतिसार हो गया है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, और बहुत ज़्यादा वहाँ की ग्रहणी कला घिस गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ वीक हो गई है, तब, और अतिसार हो रहा है, ज्वर है, तब ऐसे कंडीशन में, आँव पड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में अगर हमने कनक सुंदर रस दे दिया तो यह, अब इसका ना दायरा ये है कि अतिसार, अतिसार को ध्यान में रख के इसकी चिकित्सा करिए। परपट्टी कल पे वो ग्रहणी कला, शुरुआत की ग्रहणी कला पे अच्छा काम करती है, ग्रहणी कला को अच्छा करती है। यह कनक सुंदर रस का ये है कि यह अतिसार को ध्यान में रखे, जो भी बीमारी हो रही है और वो भी संग्रहणी जैसे रिलेटेड, उसको ध्यान में रख के इस दवाई की योजना की गई है। अभी कभी कभी क्या होता है कि आमाशय बहुत शिथिल हो जाता है, उस दुर्बल इंद्रिय, मतलब ये संहिताओं में बताया कि शिथिलता का मतलब क्या होता है, प्रमेह में भी शिथिलता हो जाती है, पांडु रोग में भी धातुओं में शिथिलता होती है, तो इस शिथिलता का मतलब क्या है, दुर्बल इंद्रिय, दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आमाशय शिथिल हो जाता है, मतलब दुर्बल हो जाता है, तो पाचक पित्त का सिक्रीशन भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। ऐसे वो बूढ़ा हुआ जो आदमी रहता है, वृद्ध आदमी कैसे चलते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, उसी तरह से आमाशय भी जो रहता है वह बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है, पाचक पित्त का स्राव नहीं हो रहा होता है, तो पचनेन्द्रिय जो रहती है ना वो अच्छा सा सिक्रीशन ना करने की वजह से पचन क्रिया बहुत खराब हो जाती है, खाना भी नहीं पचता है, पेट भी साफ नहीं होता, अग्निमंद होता है, अतिसार होता है, मतलब जो खाया पिया है ना वो सब लूज मोशन बन के निकलते जाता है, और उससे बहुत गंदा स्मेल आता है, और ऐसा लगता है जैसे सड़ा हुआ है, इस तरह का स्मेल होता है, बड़े बड़े लूज मोशन हो रहे होते हैं। तब उस कंडीशन में कनक सुंदर रस अगर दे दिया जाए, कुटजार इष्ट के साथ दे दिया जाए, बेल के मुरब्बा के साथ दे दिया जाए, या बेल के बेल का शरबत के साथ दे दिया जाए, तो कनक सुंदर रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी का एप्लीकेशन करते हुए मैंने इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका प्रयोग किया है, कुछ पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप लोग विश्वास करिए, पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर करते हैं। उसी तरह से अब कनक सुंदर रस में हिंगुल है, तो हिंगुल जो रहता है
पारा और गंधक का यौगिक रहता है, तो इसमें वो आमाशय और पक्वाशय में जो विकृत रस का जो सिक्रीशन हो रहा है तो उसको, और उससे ना विकृत रस बन रहा है, विकृत आहार रस बन रहा है, उसको ये ठीक कर देता है हिंगुल। उसका प्रभाव है योगवाही और दीपन पाचन कार्य करता है, जंतुघ्न है और आम का पचन करता है, इसलिए हिंगुल डाला हुआ है। उसी तरह से धतूरा है, धतूरा जो है वो वेदना शामक है और वात का जो स्पंद है उसको ना बैलेंस करता है वहाँ, मतलब जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नॉर्मल अवस्था में मणिपुर चक्र का क्या कार्य होता है, अनाहत चक्र का क्या होता है, मूलाधार चक्र का क्या काम होता है, और ऐसा डिसेक्शन जब हम करते हैं तो वहाँ नर्व के प्लेक्सेस देखते हैं, ऐसे गुच्छा दिखता है और उनका फंक्शन अलग अलग कार्य रहता है, उसी को हम चक्र बोलते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो वह दिव्य शक्तियाँ देते हैं, लेकिन नॉर्मल एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लेक्सेस रहते हैं अंदर ही अंदर। तो ये क्या करता है कि धतूरा है वो वेदना शमन करता है और वो रिफ्लेक्सेस जो आ रहे हैं अतिसार के वो सबको बैलेंस कर देता है। पेट दर्द हो रहा है वो भी कॉलिकी पेन को भी ठीक कर देता है। उसी तरह से यह इंटेस्टाइन में जो पुरस्सरण क्रिया होती है, पेरिस्टाल्टिसिस मूवमेंट हो रहा है, उसको भी बैलेंस कर देता है। उसी तरह से पिच्छा त्वचा जो रहती है, मतलब अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन विलाइज में जो पानी 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 कीचड़ की तरह जमा है उसको ये बैलेंस कर देता है, इसलिए धतूरा का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से टंकन है वो वेदना शामक है, पेन किलर है। आक्षेप, अब क्या होता है जिस तरह से दिमाग को आक्षेप आता है, मतलब ये मिर्गी का झटका आता है, इसी तरह आईबीएस में भी क्या होता है कि पेट में झटके आते हैं, मिर्गी का झटका टाइप आता है, पानी टच हुआ कि बार बार भागो, बार बार मोशन को भागो, ऐसा कंडीशन रहता है, पेट में मरोड़ आते रहती है। तो ये पेट का जो आक्षेप है उसको ये बैलेंस करता है टंकन। और थोड़ा सा जंतुघ्न है, मतलब प्रोटोजोआ अमीबिया अमीबा और बैक्टीरिया, इन सबको ये मार देता है, बैक्टेरियो टैटिक बैक्टेरियोसाइडल इस तरह का माना जाएगा। बैक्टेरियो स्टैटिक मतलब रोकना और साइडल मतलब मार देना, तो ये मार देता है और ऐसा प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है। बचनाग है वो वेदना शामक है और ज्वरग्न है, और मरीच और पिपली है वो दीपन पाचन कार्य करती है, गंधक है योगवाही और रसायन है, और स्किन को अंदर का जो ये लेयर्स है उसको ये अच्छी तरह से हील करती है, इसलिए गंधक रसायन, गंधक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है रसायन के रूप में। और इसी तरह से यह अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे ग्रहणी रोग में कनक सुंदर रस बहुत अच्छा काम करता है, अतिसार में अच्छा काम करता है, अग्नि मानदे में अच्छा करता है, दंतोद्भेदगर जो रोग रहते हैं छोटे बच्चों के, ज्वराती सार रहते हैं, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को जो ऐसे प्रवाहन करने की आदत होती है, बिना प्रवाहन किए ना उनको ना मोशन ही नहीं होता, पॉटी नहीं होती है, और वो प्रवाहन करते हैं तो उसके बाद रोते रहते हैं बहुत ज़्यादा, चिल्लाते रहते हैं, और कभी कभी कृमि के वजह से भी लूज मोशन हो रहा होता है। तो कृमि की तो कृमिघ्न दवाइयों से, कृमिघ्न गण का काढ़ा दे दीजिए, या कृमि कुठा रस, कृमि मुड़गर रस, फिर विडंगा रिष्ट, करंज तेल का बस्ती, यह सबसे करिए। लेकिन अतिसार अगर हो रहा है ग्रहणी की दृष्टि की वजह से, तब हमको अगर इसकी योजना कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और यह जो है ना, यह कनक सुंदर रस उष्ण विरियात्मक द्रव्य है, ये याद रखिए। तो पैतिक रोगी जो रहते हैं पित्त प्रकृति, और जिनका पित्त बहुत, जैसे अधोग रक्त पित्त है, जिसको ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो रहा है, या हैवी मेंसेज आ रहे हैं जहाँ पर पित्त का प्रकोप बहुत ज़्यादा, या पित्तज अर्श है, रक्तज अर्श, उस कंडीशन में इसको देने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उष्ण विरियात्मक, धतूरा है, फिर यहाँ पर ये डाला है, काली मिर्च डाला है, पिपली डाला हुआ है, तो ये पित्त का प्रकोप कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है सौम्य दवाइयाँ, जैसे गुलकंद हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, आंवले का जूस हो गया, फिर मतलब गुलाब का ये पानी हो गया, गुलाब जल हो गया, इन सब के साथ अगर, या घृत के साथ या दूध के साथ अगर कर दिया, दूध से ज़्यादा तो ये सब है, घृत और तक्र वगैरह है, उनके साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए, क्योंकि दूध पीने से भी किसी किसी को लूज मोशन बढ़ जाता है, दुग्धम च मूत्रम च विरेचना है, दूध इसका अनुपान डायरेक्ट नहीं बताया गया है, कोई कोई कंडीशन में बता सकते हैं, जैसे वातज अगर ग्रहणी है तो दूध और घी के साथ मिक्स करके तब दे सकते हैं, लेकिन पित्तज का, पित्तज इन्वॉल्वमेंट है तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यह क्या करता है कि यह वेदना शामक रहता है, पर्याप्त मात्रा में पित्त बनाने का कार्य करता है, छोटे छोटे बच्चों में जब दांत निकलते हैं तो पतले पतले दस्त होने लगते हैं, और वात प्रकोपित हो जाते हैं तो बच्चे और परेशान हो जाते हैं, छोटे बच्चों का पेट दर्द होने लगता है, अपाचित दस्त होने लगता है, बार बार दस्त होता है, पतला दस्त होता है, दस्त में दूधा हुआ दूध जैसे फट गए उस तरह का मोशन होता है, और स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, दस्त पीला आता है, हरा रंग का आता है, और बच्चा जो रहता है एक एक जगह पे बैठा नहीं रहता है, बेचैनी इतनी होती है, तो उसको बार बार बाहर लेके जाओ, फिर अंदर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, और बार बार उसको दस्त हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में, और उसको नींद भी बहुत कम आती है, आंखों की पलके जो रहती है वो सूजी हुई रहती है पूरा,
जब आंखें की पलकें पूरी तरह से सूजी हुई रहती है, थोड़ा बुखार भी आता है, तब कनक सुंदर रस जो है आधा रत्ती के मात्रा में, मतलब 75 mg का मात्रा में बच्चों को मध के साथ शहद के साथ चटा देना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ये वायु का शमन करता है और फिर धीरे धीरे उपद्रव जो रहते हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन में वह सब ठीक कर देता है, अतिसार को ठीक कर देता है, ज्वर को ठीक कर देता है। तो धीरे धीरे सिम्टम कम हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए, तो ये मेडिसिन को भी बंद कर देना चाहिए। इसका डोज कितना बताया, तो आधा गुंजा से 2 गुंजा तक, मतलब 75 mg से 200 mg तक इसका प्रयोग करना चाहिए। कितने दिन तक करना है, तो 30 सप्ताह, मतलब 7 × 3 मतलब 21 डेज तक इसका प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी करना है तो ब्रेक करके फिर 21 डेज करना है। इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और संग्रहणी का रोग है या ग्रहणी रोग है या अतिसार का रोग है, तो उसमें ना लंघन कराना बहुत जरूरी है। पेशेंट को ना भूखे रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा त्रिफला का जूस या फ्रूट जूस या वेजिटेबल सूप, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो द्रव गुण बढ़ने से फिर पित्त का प्रकोप हो जाएगा। तो इसका प्रयोग लंघन कराने के बाद जब निरामावस्था आ जाती है तब करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, दस्त के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो उसमें ना आंतों में जब ब्लड आता है ना, वो जैसे क्रॉन्स डिजीज होता है या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, तो वह कोलाइटिस का नाम ही है कोलाइटिस, पूरा कोलोन में इंफ्लेमेशन होता है, सूजन रहती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि रक्त मिश्रित रक्त ये होता है, दस्त होता है। तो उसके लिए मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि मैंने ठीक किया था, मेसाकोल और प्रिडनिसोलॉन ऐसे एलोपैथी की दवाइयाँ चलती हैं, उसमें अगर कनक सुंदर रस दे दिया जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा वेदना को शमन करता है, कॉलिकी पेन को सबसाइड कर देता है, क्योंकि इसमें धतूरा है और भांग है। और अफीम वाली दवाइयाँ जो रहती है ना, वह जो वैद्य लोग देते हैं कि थोड़ा सा अफीम डाल के और कर दो, पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, जब हमारे सर ने ये नोट्स लिखवाया था उस ज़माने के पहले होता था कि अफीम वाली दवाइयाँ डाल दो, तो उससे ना बहुत ज़्यादा ये क्या होता था कि जब तक मेडिसिन चल रहा है तब तक ठीक है, और अफीम वाली दवाइयाँ बंद कर दी उसके बाद में फिर से और ज़्यादा शुरू हो जाएगा ये दस्त वगैरह। तो इसलिए ना इसको कनक सुंदर रस को ज़्यादा सेफ माना जाता था। और ये वातनाशक भी है, पीड़ा नाश भी करता है, अतिसार को भी ठीक करता है, ग्रहणी रोग को भी ठीक करता है, आम का भी पचन करता है, दीपन कार्य भी करता है। वातातिसार में क्या होता है कि थोड़े थोड़े दस्त आ रहे होते हैं और फेन युक्त आते हैं, झागदार आते हैं बहुत ज़्यादा, आँव में आँव मिला हुआ रहता है, सफ़ेद जैसे मैदा का चीज़ निकल रहा है, और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, जितना बार वो मोशन जाएगा उतना और थकावट ज़्यादा बढ़ जाती है। और आंतों की जो श्लेष्मिक कला है, जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, उसमें ना बहुत गंदा गंदा स्त्राव हो रहा होता है, तो अफीम की दवाएं दे तो वो स्त्राव नहीं निकल पाता, लेकिन यह दवाई देने से स्त्राव को बैलेंस कर देता है और विकृत को निकाल देता है पूरा। इसलिए ना कनक सुंदर रस बहुत अच्छा दवाई है। और स्त्राव को कम करने के लिए, स्त्राव को कम करने के लिए धतूरा डाला हुआ है, और भांग और धतूरा दोनों का कॉम्बिनेशन वेदना को शमन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी ना गरिष्ठ भोजन करने के बाद पेट फूल जाता है, जलन होती है, डकारे आती हैं, पतले दस्त लग जाते हैं, बुखार भी आता है, तो ऐसे आमजन्य विकारों में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब आप बोलेंगे कि आमावस्था में आपने बोला, पहले संग्रहणी में बोला कि निरामावस्था में, यह कॉन्ट्रोवर्शियल चीज मैंने बोला है, लेकिन यह आमावस्था में भी काम करता है। मैंने संग्रहणी के संदर्भ में यह बताया कि पुराना जो संग्रहणी रहता है उसमें गंदा गंदा स्त्राव रहता है, तो गंदा स्त्राव ना थोड़ा आम निकल जाना चाहिए, लूज मोशन होना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा कचरा निकल जाए, और लंघन करा दिया, अग्नि प्रदीप्त हो गया, तब कनक सुंदर रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। यह क्रॉनिक अवस्था में, ग्रहणी की अवस्था में, और जब ये नॉर्मल जब ये हो रहा है, आम की अवस्था है नॉर्मल, एक दो दिन अगर कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, जैसे मैंने कहा कि ससुराल में जाके दामाद को बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है कि ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ वैसा खाओ, ऐसे कंडीशन में जब एक्यूट कंडीशन है तब कनक सुंदर रस उस टाइम पे दे दिया जाए ना, तो ये दस्त को कम कर देगा, बुखार को ठीक कर देगा, बहुत अच्छा रामबाण दवाई है। इसी तरह से अग्निमांद्य अगर है, पाचक पित्त का स्त्राव कम हो रहा है, मंदाग्नि है, कुछ भी खाया पिया पच नहीं रहा, और पेट में वो आमाशय में खाया पिया अन्न है वो वैसे का वैसे ही बैठा हुआ रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय कमजोर हो जाते हैं, वहाँ से सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता है, बूढ़े हो जाते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा कि कभी ड्राइविंग करते हुए जो ड्राइवर है, रात का आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं कोई कार में या कुछ में, तो ड्राइवर बोलता है कि साइड में जो आगे बैठते हैं कि आप सोना मत, आपको सोते देखकर मुझे नींद आएगी, वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि एक दोस्त अगर बीमार है तो सामने वाला दोस्त भी बीमार होगा, घर में एक कोई व्यक्ति बीमार है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसी तरह से ना यहाँ पर पाचक पित्त का स्त्राव नहीं हो रहा है, तो ये फ्रेंड्स है सारे ऑर्गन, अग्नाशय भी वीक हो जाता है, पैंक्रियास वो पैंक्रियाटिक जूसेज नहीं निकल पाता, आमाशय भी विकृत हो जाता है,
गृहिणी भी आलसी होता है, एक को देख के दूसरा भी, और ये टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। हम जब ह्यूमन ऐसा कर सकते हैं तो ह्यूमन के अंदर वाले ऑर्गन क्यों नहीं बोले? वो बोलते हैं कि अगर ये पैंक्रियाज आलसी होके बैठा है तो मैं क्यों नहीं बोल रहा। आमाशय भी आलसी हो जाता है, ग्रहणी भी आलसी हो जाता है, लीवर भी आलसी हो जाता है, ये सारे ऑर्गन जो रहते हैं वो आलस की वजह से कमजोर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बिना पचे हुए दस्त निकलने लगता है। आप सब्जी खाइए, वो सब्जी वैसे का वैसे ही निकल जाएगा, बॉडी को कुछ लगेगा ही नहीं। ऐसे सारे कंडीशन में कनक सुंदर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मैं इसका और भी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताने का इच्छुक हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ना शायद, और आप लोग को एक मालूम है क्या कि पहले के ज़माने में, थोड़ा 10 साल 12 साल पहले की बात करिए, तो जब ना शादियाँ होती थी, मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, तो शादियाँ होती थी ना, शादी ब्याह होता था, तो लोग क्या करते थे कि पानी का ऐसे टैंक रखा जाता था, तो लोग क्या करते थे कि मतलब ग्लास लेके जाएंगे और उसी मतलब बिना हाथ धोए उसी ग्लास में, टैंक में से पानी निकाल के पियेंगे, फिर दूसरा आएगा उसी में से पियेंगे। और वहाँ बहुत ऐसे अनहाइजीनिक, सोच के भी ऐसा लगता है, वह गंदा गंदा पानी अगर बॉडी में जा रहा था तो, या फिर जो प्लेटें रहती थी शादी ब्याह में वो धोई नहीं जाती थी क्योंकि तो पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी यहाँ पे रहती थी। तो उसके वजह से क्या होता था, पानी की कमी की वजह से बहुत सारे ना, जैसे शादी ब्याह हो जाता था, बहुत सारे लोग 100 150 लोग बीमार हैं, ऐसे होता था। तो वो सारा इन्फेक्शन की वजह से होता था। या फिर बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में गंदा पानी पीने से बहुत सारे लोग बीमार हैं, ऐसे सब होता था। ऐसे सारे कंडीशन में मैंने अपने गुरुजी के पास देखा है, आज से 15 साल पहले, ऐसे जब मरीजों की लाइन लगती थी कि सबको अतिसार हो रहा है, सबको बुखार हो रहा है और उनको एलोपैथी नहीं करना है, उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, और पुणे की परंपरा है कि यहाँ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आयुर्वेद का इलाज कराते हैं। आप लोग नॉर्थ इंडिया में हैं तो वहाँ पर कैसे है कि लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप आयुर्वेद लीजिए, आयुर्वेद लीजिए, आयुर्वेद से फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर पूना महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, या केरल में भी जाके देखेंगे उनको सब मालूम रहता है कि आयुर्वेद से ही ठीक होंगे, भले दवाई ना आता हो लेकिन वो आयुर्वेद के पास ही फर्स्ट प्रेफरेंस में आते हैं। क्योंकि एलोपैथी में जाएंगे तो सलाइन लगाएंगे और फिर वो एक दो दिन ठीक करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो हमारे सर के पास, मैं जब BMS कर रहा था तो मैं जाता था हर समय, हमारे कॉलेज में हम लोग कम रहते थे और सर के पास ज़्यादा रहते थे, और सर बोलते थे कि चरक संहिता पढ़ने के लिए क्या बताया, हिमवता पार्श्वे शुभे, मतलब हिमालय के साइड में ज़्यादा अच्छा रहता है। और सर भी, जमदग्नि सर भी बताते हैं कि उनकी पढ़ाई ज़्यादातर कैंटीन में हुई है और बाहर गुरु लोग के पास हुई है, क्लासरूम में कम हुई है उनको, मतलब वो हमें जो जैसा गुरु रहेंगे वैसे आप शिष्य भी रहेंगे। और हमारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था तो वहाँ पढ़ाई होती नहीं थी, तो हम सर के क्लिनिक में रहते थे, तो मैंने सर के क्लिनिक में ज़्यादा आयुर्वेद सीखा है। कॉलेज में तो पढ़ाते थे लेकिन समझ ही नहीं आता था, उनको पढ़ाने ही नहीं आता था। तो जब हम सर के पास जाते थे ना तो सुबह से शाम तक OPD है, लाइन है, इतने पेशेंट आ रहे हैं, तो सर ना सभी को कनक सुंदर रस, संजीवनी वटी, कनक सुंदर रस, कुटज घन परपटी, ऐसे ज़्यादातर पेशेंट को एक कॉमन दवाइयों का पैटर्न करके देते थे। जो कनक सुंदर रस के पेशेंट होते थे ना उनमें रिकवरी बहुत अच्छा होता था और लॉन्ग लास्टिंग रहता था, ऐसा मैंने खुद देखा है। इसलिए ना मुझे कनक सुंदर रस पे बहुत अच्छा विश्वास है कि जो शादी ब्याह की वजह से जो वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन से लोग बीमार पड़ते थे वह सब सर के पास आके तुरंत ठीक होते थे। उनको ना सलाइन लगाने की जरूरत पड़ती थी, ना कुछ और, ना एंटीबायोटिक खाने की जरूरत होती थी, सर के दवाइयों से ही ठीक हो जाते थे। तो सर ने इतना आयुर्वेद को इतना प्रचारित और प्रसारित किया कि लोग आए और ये दवाई रामबाण दवाई है, इतना विश्वास से, और सर की दवाइयाँ सस्ती रहती थी ये सब, तो लोग को ना अफोर्डेबल भी होता था और बहुत अच्छा फायदा होता था। इसीलिए ना आप लोग भी, मुझे ये बताने का उद्देश्य यह है कि आप लोग भी कनक सुंदर रस का प्रयोग अतिसार में करिए। जब ना कॉलरा रहता है, कॉलरा बीमारी बढ़ जाता है, गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, पेट की बीमारियाँ रहती है, बरसात में होती है या अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होती है, तब कनक सुंदर रस का प्रयोग आप लोग भी करिए और फिर रिजल्ट देखिए और फिर मुझे भी बताइएगा कि कैसा फायदा हुआ। क्योंकि ना आप लोग के अनुभव है, मैं ग्रंथों का अभ्यास ज़्यादा किया हूँ, मैंने पेशेंट भी देखा है, लेकिन मैं इतना भी नहीं बड़ा हो गया हूँ कि आप लोग का अनुभव ज़्यादा होगा। आप लोग के पेशेंट अलग तरह के हो सकते हैं, वो पेशेंट हमें यहाँ नहीं देखने को मिले, तो अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। जो पेशेंट हमें सिखाता है ना वो हमको क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता, वो हमारे टीचर के पास नहीं सिखाया जाता, वो पेशेंट हमें सिखाते हैं। क्योंकि पेशेंट जो सिम्टम लेके आते हैं वो प्रैक्टिकल होता है, जब कोई मूवी देखता है ना तो मूवी का सारा सीन याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है, उसी तरह से जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं, पेशेंट को क्या क्या कंडीशन में क्या क्या हो रहा है वो ज़्यादा याद हो जाता है। किताब पढ़ेंगे ना तो वो भूल भी जाते हैं क्योंकि उसमें रट्टा मारा जाता है,
मेमोराइज किया जाता है, फिर भूल भी सकते हैं, लेकिन पेशेंट वाला जो चीज़ रहता है ना, वो हमेशा दिमाग में फिक्स रहता है। इसलिए आप लोग जितना पेशेंट देखेंगे और उनको कनक सुंदर रस देंगे, अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो मैं भेज दूंगा, आप लोग कनक सुंदर रस का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो मैं अपना लेक्चर अभी बंद करता हूँ, आप लोगों का जो भी प्रश्न उत्तर है वो आप लोग लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अंकित जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको, संजय तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आयुष दर्पण पे आए संजय तिवारी जी, डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विजय पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विशाल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी ऑस्ट्रिया से आपको, ऑस्ट्रिया से आप, मतलब मुझे ये नहीं समझ आता प्रियंका जी सोती कब है, मैं सुबह चरक पढ़ाता हूँ तब भी प्रियंका जी रहती हैं, शाम को पढ़ाता हूँ तब भी प्रियंका जी रहती हैं, रात को रहता हूँ तब भी, तो सोती कब है मैम? यूरोप के लोग सोते नहीं है क्या? ऑस्ट्रिया के लोग, मुझे अभी तक इसका राज नहीं पता चला। कोई बात नहीं, डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको, और प्रियंका जी का डेडिकेशन है कि वो दूसरे देश में है, यूरोप में है, तब भी आयुर्वेद के प्रति वो सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, यह जो डेडिकेशन होता है ना, यही इंसान को कामयाब बनाता है। डॉक्टर कमलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी बोल रहे हैं एचआईवी की चिकित्सा, मैं इस पे एक लेक्चर रखने वाला हूँ, आप इंतज़ार करिए, मैं एचआईवी पॉजिटिव एड्स पे बहुत अच्छा एक लेक्चर रखने वाला हूँ। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चड्ढा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, हिमांशु गुप्ता जी आप इंटरेक्टिव सेशन में नहीं आ रहे हैं, आपकी सबको याद आ रही है, आज आप जरूर आइएगा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर रमिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको, ये देवेंद्र पाटिल जी ने मराठी में कुछ लिखा है, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, इन्होंने लिखा है पोड़ा होली पाड़वा दिवाली सनाला कपलसरी पुरणपोळी असते, कंपलसरी पुरणपोळी असते तामचा विदर्भात। इन्होंने ऐसा बताया है कि बड़े बड़े जो त्यौहार रहते हैं, एक पोड़ा रहता है जिसमें बैल की पूजा किया जाता है, नया जब खेती आने वाला होता है ना, तो उसको जो त्यौहार होता है उसको पोड़ा बोलते हैं मराठी में, बहुत अच्छा शुभ ये रहता है, नया साल का शुरुआत रहता है, उसी तरह से होली रहता है, फिर पाड़वा नाम का एक त्यौहार रहता है, दिवाली रहता है, ये सारे त्यौहारों में पूरनपोड़ी जो रहता है, गुड़ और दाल, चना का दाल या तूर का दाल, मतलब ये दाल को ऐसे पीस के इतना टेस्टी लगता है ना पूरनपोड़ी, मुझे तो उन्होंने 5-6 खिला दिया था, उस टाइम पे मेरा एज भी 18 साल था, 17 साल का था, उतना तो मुझे पाचन शक्ति भी नहीं थी, इतना लेकिन टेस्टी होता है ना, इतना टेस्टी होता है, आप कभी महाराष्ट्र में आए मैं आपको पूरनपोड़ी खिलाऊंगा, तो इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी, उसमें ये नहीं है कि दाल और गुड़ है, उसमें जो प्यार से बनाया जाता है वह प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और जब बन जाता है ना उसमें घी गरम गरम डाल के और गरम गरम खाया जाता है, इतना डिलीशियस होता है ना, और वो मतलब भारत की परंपरा है, भारत का जो खाना है ना कुछ कुछ इतना टेस्टी होता है ना कि क्या बताएं, आप बाहर फॉरेन में जाएंगे और फास्ट फूड खाएंगे वो सब चीज़, कुरकुरे खाएंगे पिज्ज़ा खाएंगे, वह आनंद नहीं आएगा जो पूरनपोड़ी खाने से आता है, तो आप लोग ना यहाँ आइए, और विदर्भा का तो बात ही क्या है, विदर्भा के लोग तो इतने अच्छे होते हैं ना, विदर्भा के लोग के घर में आप जाएंगे ना तो वह जैसे आप चाय कॉफ़ी ऐसे आप लोग बोलते हैं ना कि चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे, पुणे में तो कैसा है कि पुणे का सदाशिव पेट का एक बहुत बड़ा जोक है, यहाँ के जो ऐसे पंडित जी ब्राह्मण लोग रहते हैं ना वो तो ऐसे आते ही अगर कोई गया तो बोलेंगे कि चाय वगैरह तो पी के आए होंगे आप, कितने देर तक रुकेंगे वहाँ, हम ना मेहमान को भगाया जाता है, पुणे के लोग जो रहते हैं ना वो इतने ये नहीं रहते, मिलनसार नहीं रहते वो ना, देव मतलब ऐसे बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, यहाँ पर यहाँ की जो परंपरा है पेठ एरिया की, रविवार पेठ से यहाँ के कैसे है ना कि यहाँ स्वागत नहीं किया जाता है मतलब अतिथि का, वहीं विदर्भा में देखेंगे नागपुर में इतना स्वागत किया जाता है, तो वहाँ चाय कॉफी नहीं पूछा जाएगा,
वहाँ पर क्या बोलेंगे, अजवाइन देंगे, फिर जीरा देंगे, और वहाँ है, वहाँ ऐसे रखा रहता है, सुपारी रहेगा, और ना कोई भी अतिथि आएंगे तो उनको ये जरूर खिलाया जाएगा, वो अगर आएंगे तब भी खिलाया जाएगा, जाते टाइम भी सुपारी वगैरह खिलाया, सुपारी लीजिए या अजवाइन लीजिए या फिर ये सौंफ लीजिए, ये जरूर दिया जाता है। और जो विदर्भा के लोग जो रहते हैं ना, जो मेरे क्लासमेट है, उनमें माया बहुत रहता है, प्यार बहुत रहता है। पुणे के लोग जो है ना, वो कैसे हैं, थोड़ा ऐसे मतलबी टाइप हैं, कि काम तक है तो बहुत अच्छा मीठा बोलेंगे, और काम हो गया तो थोड़ा दूर हट जाएंगे। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना विदर्भा में, ये सच में विदर्भा में होता है, कि विदर्भा के लोग, और विदर्भा में ना एक बैगन की सब्जी बनती है, वांगीची भाजी, इतना तीखा डालते हैं ना, लाल मिर्ची इतना, और कोल्हापुर की मिर्ची डाल के, इतना तीखा होता है, इतना तीखा होता है, कान से ऐसे झनझन झनझन निकल जाता है। और वहाँ के लोग को साथ में है वो, इतना तीखा वहाँ के लोगों को ये। और गर्मी भी कितना पड़ती है विदर्भा में, सबसे ज़्यादा जो गर्मी रहती है वो विदर्भा में ही पड़ती है। लेकिन ना वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, तीखा खाना खाते हैं लेकिन मीठा बोलते हैं, और वहाँ माया बहुत है, प्यार बहुत है, लगाव बहुत, अटैचमेंट बहुत रहता है। तो आप लोग विदर्भा में जाइए, बहुत अच्छा है। और अपने जो ये संस्कृत काव्य जो है ना, कालिदास जी, फिर ये जिन्होंने मेघदूतम वगैरह लिखा है, कालिदास जी ने तो विदर्भा में इतना इतना वर्णन लिखा है ना, पूरा संस्कृत में काव्य रचना कर डाली है। और मतलब वहाँ बहुत विद्वान विद्वान लोग रहते हैं। ये बात नहीं है कि पुणे में नहीं रहते हैं, पुणे में भी विद्वान लोग हैं, पुणे को तो विद्या की नगरी बोला जाता है। लेकिन जो विदर्भा का, अब क्या है ना कि हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की एक कुछ खासियत रहती है, तो विदर्भा से मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव चीज़ मिला है, तो वो मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर सरोज देसाई जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रही हैं कि सर अभी कोरोना की कंडीशन में फीवर और लूज मोशन की कंडीशन रहती है, तो ऐसी कंडीशन में इसको यूज़ कराया जा सकता है। हाँ, 100% कनक सुंदर रस दे दीजिए। कनक सुंदर रस जो है वो ज्वराति सार में बताया है, ज्वर भी रहे अतिसार भी रहे तब यह देना जरूरी रहता है। श्वासकाश का अगर प्रॉब्लम रहता है तो श्वासकाश चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस, और हेमगर पोटली रस, यह सब देना चाहिए। जय मंगल रस, और फिर त्रैलोक के चिंतामणि रस, यह सब बहुत अच्छा रहता है। जब श्वास कष्ट रहे, जब लूज मोशन रहे, भूख नहीं लग रहा है, तब यह दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। आपने प्रियंका जी सही पकड़ा है, बहुत अच्छा बताया आपने, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो आप कैच कर रही हैं। डॉक्टर श्वेता जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। मंगला जी बोल रही हैं डोज क्या है, तो आधा गुंजा से 2 गुंजा बताया, मतलब 75 mg से 200 mg, इसको इस तरह की गोलियां मिलती हैं, 75 mg की मिलती हैं, तो 3 गोली तक दे सकते हैं, तो ये फायदा करता है। आप खुद भी बना सकते हैं, सारी दवाइयाँ बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत अवेलेबल रहता है, ऐसी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। आफ्टर के एस रस, के एस रस का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कोड में आपने लिखा है सर। अरविंद जी आपने क्या बताया, कनक सुंदर रस, ठीक है। डॉक्टर भावना सिन्हा जी, नमस्ते आपको। ज्योतिपाल जी बोल रही हैं कि सर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं, हमको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर कुंदा जी बोल रहे हैं कि कौन सा कंपनी का मिलता है, सारी कंपनियां बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब बनाती हैं, लेकिन क्या उसका वो होता है, या तो मतलब आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग ही बताएंगे कि कौन सा अच्छा है। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते, एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ कनक सुंदर रस, थैंक्स गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। रविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर प्रताप सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कोविड का डिस्कशन कब है, कोविड का डिस्कशन संडे को है, उसमें वैद्य नवीन जोशी सर आएंगे, डॉक्टर शिल्पा येरमे मैडम आएंगी, डॉक्टर शीतल असुतकर मैडम है, वो नागपुर की हैं, बहुत अच्छी मैडम है वो आएंगी, और मैं आऊँगा, और हम लोग ना अलग अलग विषयों पे आप लोगों को कोविड का सिंपल सिंपल चीज़ बताएंगे, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, वो मैं बताऊँगा। डॉक्टर माधुरी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। माधुरी जी बोल रहे हैं कि इन कोरोना फीवर कैन वी गिव कनक सुंदर रस, 100% यू कैन गिव। प्रियंका जी नमस्ते, प्रणाम आपको। प्रियंका जी बोल रहे हैं कि आप इतने अच्छे से सिखाते हैं, आप जैसे गुरु के मार्गदर्शन में हम सभी उन्नति कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत शाह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हेमंत शाह जी, आपको शायद दवाई मिल गया होगा, मैंने जो गिफ्ट भेजा है उसका प्रयोग करिए और मुझे बताइएगा। मैं जिसको भी दिल से गिफ्ट देता हूँ ना, उनको वो सारी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं।
आपको मैंने दिल से भेजा है हेमंत जी, मैं आपको कभी मिला नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल से भेजा हूँ, आपको फायदा होगा। डॉक्टर मनदीप कौर जी बोल रही हैं कि हेलो सर, आप थायराइड का लेक्चर बोल रहे थे मात्रा बस्ती पर, थैंक यू। मैं लूँगा जो मुझे डॉक्टर नवीन जोशी सर बोलते हैं वो सब्जेक्ट पे मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे ये लेना है, आप थोड़ा दिन रुक जाइए, मैं लूँगा। डॉक्टर जयलक्ष्मी जी बोल रही हैं प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर देवेंद्र पटेल, देखिए ये विदर्भा का ये परंपरा है कि ये फेसबुक से बुला रहे हैं कि मेरे घर आइए, पूरन पूड़ी खाने आइए, वांगे की भाजी मतलब बैगन की सब्जी और रोड़गे खाने आइए, देखिए देवेंद्र पटेल जी बुला रहे हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी बोल रही हैं थैंक यू सर, आई एम ऑल्सो फ्रॉम नागपुर। नागपुर इतना अच्छा जगह है ना, इतना अच्छा जगह है, संतरों का ना वहाँ बर्फी मिलता है, संतरा मतलब ऑरेंज सिटी बोलते हैं वहाँ, संतरे की खेती इतनी होती है, और ना संतरों में जो मिठास होती है वैसे ही लोगों में भी मिठास होती है। संतरा बर्फी आपने कभी खाया होगा ना नागपुर का, तो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, इतना टेस्टी होता है वो। रूपाली जी बोल रही हैं कि फीलिंग प्राउड एज विदर्भियन, हाँ ये बात सच है। जब मैं वहाँ पे था ना, मेरा एडमिशन हुआ था, तो वहाँ ऐसा बोला जाता था, सारे बच्चे आते थे अपना इंट्रोडक्शन देते थे, उसके बाद बोलते थे जय विदर्भा, फिर कोई मराठवाड़ा का आता था सोलापुर कोल्हापुर के, बोलते थे जय मराठवाड़ा, ऐसे वो लोग बोलते थे, और विदर्भा के लोगों को ना प्राउड फील होता है, विदर्भा जो है ना वो बहुत ही ऐसे मतलब वहाँ का राजनीतिक और ये सब, पहले के ज़माने में जो चोल चौंडे और सप्तवाहन राजा थे ना, वो विदर्भा में बहुत मतलब इतना संपन्न लोग थे, वहाँ पैसा बहुत था, वहाँ का मतलब जो अभी अभी ऐसा होने लगा ना कि बीच में जो गवर्नमेंट आई कांग्रेस शासित, उन वहाँ पे किसान लोग आत्महत्या करने लगे, कर्ज में डूब गए, लेकिन ऐसा विदर्भा पहले नहीं था। यहाँ की विदर्भा की ऐसे बोलते हैं कि अमरावती उसकी राजधानी होती थी, और विदर्भा बहुत संपन्न था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, और वहाँ के लोग इतने अच्छे थे ना, मतलब विदर्भा के बारे में मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि बहुत श्रेष्ठ था, और लोग बोलते हैं कि विदर्भा को अलग कर दें, महाराष्ट्र को तोड़ दें, मराठवाड़ा अलग कर दें, पश्चिम महाराष्ट्र अलग कर दें, ऐसा बोलते हैं, लेकिन विदर्भा को कभी नहीं महाराष्ट्र से अलग करना चाहिए, विदर्भा है इसलिए महाराष्ट्र है, इतना अच्छा है वो। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं कि श्वास का चिंतामणि रस वर्क्स वेरी वेल, हाँ ये बात आपका सही है। वैशाली जी बोल रही हैं कि प्राउड, बाय द वे प्राउड टू बी फ्रॉम विदर्भा, आज विदर्भा का बात कैसे आ गया। डॉक्टर हिमांशु जी बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रयास है आपका, थैंक यू। डॉक्टर हेमंत शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। विदर्भा के बारे में तो मैं आपको कभी और भी बताऊंगा, वहाँ के मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना हमें वहाँ के लोगों से सीखनी चाहिए। मैंने पुणे के लोगों से सीखा, पुणे के लोग जो है ना बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन पुणे के लोग थोड़ा घमंडी होते हैं, इन यहाँ के लोगों में ना अपनी विद्वत्ता का बहुत ज़्यादा घमंड है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और वहाँ के लोग जो है ना वो मायावी हैं, मायावी मतलब दयालु हैं, करुणा ममता ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग घमंडी नहीं है विदर्भा के, तो हर जगह में कुछ ना कुछ खासियत रहता है। पुणे में जो ज्ञान है नॉलेज है वो कहीं नहीं है, मतलब जो संस्कृत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, वो पुना जैसा ज्ञान कहीं नहीं है, और पुना में सिखाया जाता है आयुर्वेद। आप किसी भी वैद्य के घर जाएंगे ना, क्लिनिक में जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो वैद्य लोग मेहनत करवाते हैं अपने स्टूडेंट से, और मेहनत लेते हैं, खुद करते हैं, पेशेंट दिखाते हैं, ऐसा पुना जैसा संस्कृति आयुर्वेद के लिए तो कहीं भी नहीं है, इतना केरल में भी नहीं सिखाया जाता, जामनगर में भी नहीं सिखाया जाता, जितना पुणे में सिखाया जाता है, और पुणे में प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, पुणे का बात ही अलग है, मतलब हर सिटी का कोई अच्छा ही रहता है, कोई बुरा ही रहता है, तो यहाँ पुणे का तो अच्छा ही बहुत ज़्यादा है, और मैं पुणे में रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो मुझे पुणे का तो बहुत अच्छा लगता है, मैं विदर्भा में था लेकिन मुझे पुणे की याद, और पुणे का कैसा क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ सर्दी मतलब सर्दी गर्मी सब एक सीजन रहता है, पुणे का तो कुछ बात ही अलग है। डॉक्टर शैलेंद्र जी नमस्ते, शैलेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। इपिंदर जी का क्वेश्चन है कि सर 38 ईयर मेल है, 3 दिन से हाई ग्रेड फीवर है, पित्तज प्रकृति कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, विडाल अभी भेजा है, अभी फीवर के लिए क्या करें। अब फीवर है ना तो उनको केवल फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है तो उनको आप त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्य वर्धिनी वटी, फिर जो रामकुश रस, बहुत सारे बता रहा हूँ, महासुदर्शन घन वटी, संशमनी वटी, यह सब दे दीजिए। अगर पित्त प्रकृति है, पित्त का प्रकोप है, तो चंद्रकला रस, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, सुशेखर रस, ये दे दीजिए। वात का जब कफज अवस्था है तो अदरक का रस, तुलसी का रस और त्रिभुवन कीर्ति, इसके साथ में वो दे दीजिए।
इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और उषा जी बोल रही हैं कि सर कैन वी गिव इन HIV पेशेंट विद लूज मोशन। हाँ जरूर दे सकते हैं, शमन दवाई देने में क्या है, हमें पंचकर्म नहीं कराना है HIV पॉजिटिव को, हम दे सकते हैं। डॉक्टर मंगला जी बोल रही हैं कि थैंक यू सर, फीलिंग प्राउड टू बी विदर्बियन फ्रॉम अमरावती। अमरावती तो इतना अच्छा जगह है ना, अमरावती का तो मैं एक बार आपको बताऊंगा, मैं अमरावती यूनिवर्सिटी में टॉपर आया था इस, और मैं वहाँ गया था, अमरावती यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है, मैं वहाँ टॉपर आया, फिर मैंने बाद में यहाँ ट्रांसफर लिया था अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में, मैं अमरावती के बारे में कभी तो बताऊंगा। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि सर 2 ईयर का बेबी है, उसे ग्रीन कलर की मोशन है 3 दिन से, तो उसे भी दे सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर रचना जी, ये छोटे बच्चों के लूज मोशन के लिए ही बनाया है, बड़ों में भी देना है और छोटे बच्चों में भी देना है, तो 75 mg आप ना शहद के साथ घोल के और वो दे दीजिए, उसको बच्चे को चटा दीजिए, और दूसरा क्या करिए कि जीरा का पानी, जीरा को फुला के वो पानी सौंफ डाल के, जीरा सौंफ या अजवाइन का पानी, और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के, ये ऐसे दीपन पाचन करने वाली दवाइयाँ देंगे ना, लूज मोशन ठीक हो जाएगा। और भी अगर हो रहा है तो एक बिलाजिल आता है सांडू कंपनी का, तो वह बिलाजिल बहुत मीठा रहता है, टेस्टी रहता है, 2 साल का बच्चा खा सकता है, बहुत टेस्टी रहता है, वह खिला दीजिए, या कुटजारिस खिला दीजिए, या कुटज पर, लेकिन कनक सुंदर रस तो सबसे बेस्ट है इन सब में, उसका प्रयोग करिए फिर देखिए क्या होता है। आप लोगों के ना मुझे इतना प्यार और इतना मतलब ऐसे प्रोत्साहन मिलता है ना, तो मुझे और मन करता है कि मैं आप लोगों से और भी कुछ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो हम सबको आगे बढ़ाए, तो मैं आगे भी आऊँगा। अभी आप 8:30 बजे आइए, आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं, मेरे पेशेंट बैठे हैं, मैं उनको देख के आता हूँ, 8:30 बजे इंटरेक्टिव सेशन में हम सब मिलेंगे। प्रणाम सभी को, नमस्ते, शुभकामनाएं आप सबको।